खोर्धा बनखंड टांगी रेंज रे हाथी आतंक अर्थात दीर्घ दुई मास रो ऊर्ध जंगली हाथी उपद्रव कर हाथी दिन में जंगल में रहता बेले संध्या हो गले खाद्य अन्वेषण में जनबसति मुहां हो लोक धान फसल नष्ट विलंबित राति हाथी पल निराकारपुर डिया मौजा चाष जमीन धान कलई खाई दई चकटी नष्ट हाथी पल उपद्रव में चाषी हताश होती हाथी शहश धान कलई खाई अभियोग चाषी हेले हाथी घोड़ाइबार जंगल विभाग संपूर्ण विफल हो तबे अधिक सूचना पाई विक्रम साहू आम खोर्धा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी तबे विक्रम दीर्घ दुई मास ऊर्ध हाथी पल आसुच्ची उत्पात मचाऊ चाषी माने जो धान फसल कर फसल नष्ट तबे सब बड़ प्रश्न हो वन विभाग प्रकृत में करुच्ची कौन से निजर दायित्व सठिक रूपे कहीं तुलना लोकों अभियोग कौन आसुच्ची विक्रम निश्चित भाव निवेदिता आम कहीपर बर्तमान दीर्घ दुई मास धरी हाथी जो भाई उपद्रव कर चाषी एक प्रकार हताश हो जाए कहीं बर्तमान चाषी तार धान गुड़िक काटी बारी पटे बारी में रखि बेले बिल रखि बेले मान जंगली हाथी जो भाई भाव में उपद्रव कर खाई दलित कर संपूर्ण भाव में नष्ट कर जंगल विभाग संपूर्ण भाव में विफल होती कहीं जंगल विभाग पाखे से भाई किसी जंत्रपाति ना केवल टर्च अच्छी बाण अच्छी से संध्या समय बुलिकी पाँच हाथी रात कड़े चलप्रचल कले गतिविधि कड़े गले कौन कले ऊपर नजर रखुना तो जंगल विभाग संपूर्ण विफलता आम इसी कही रखा तापर आ गोटे कथा कह रखिपर हाथी आसवर एकम्र कारण हूँ जेहेतु हाथी मान जो जंगल रुंती से जंगल गुड़िक बर्तन खनि खादन में संपूर्ण भाव में परिपूर्ण जंगल जमी माफिया मानने काड़ी नष्ट कर दे गसपत्र ना खाद्य अन्वेषण से हाथी बाध्य होती जनबसति मुहाँ जहाँफल कि चाषी मान धान फसल नष्ट करें जंगल विभाग को संपूर्ण भाव दायित्व कहना निवेदिता निहती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपंक सूचना तेज ये थे आम खोर्धा प्रतिनिधि विक्रम साहू जेकि आमको अधिक सूचना देते।